वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी दे इस संसार ते प्रगट होण दे नाल सिख धर्म का आगाज 1469 ईस्वी दे विच हो जांदा। उदासियां दे समय गुरु नानक देव जी जदों 49 साल की उम्र दे विच पहुँचते हैं ते विचरदे विचरदे रमदास की धरती ते पहुँच जाते हैं। उत्थे एक 12 साल का लड़का गुरु नानक देव जी दे नाल उन्हां दा मिलाप हुंदा। बड़िया सियाणप भरिया गल्लां करदा, गुरु नानक देव जी दे नाल बचन बिलास हुंदे आ। आजू 12 साल है, नाम बूढ़ा वा, पर गल्लां बहुत ही बजुर्गी वालियां जदों कीतियां तां गुरु नानक देव जी ने कहा कि तू तां बुढ़िया वालियां गल्लां कर रहा। उस दिन तो यह 12 साल दे लड़के दा नाम बाबा बुढ़ा जी मशहूर हो गया। बाबा बुढ़ा जी गुरु नानक देव जी दे एक एहो जे सिख होए आ जिन्हां नूं संपूर्ण सिखी सिद्धांतां दा विस्थार दे नाल जिन्हां दी नॉलेज आ, जिन्हां ने अपने जीवन दे विच उन्हां सिखी सिद्धांतां नूं गुरु उपदेशां नूं बहुत ही निम्रता दे नाल 125 साल इस संसार दे विच विचरदियां होईयां उन्हां नूं निभाया ते सारी सिख संगत नूं उन्हां तों प्रेरणा दिती ते सारी सिख संगत नूं जागरूक कीता, सिखी सिद्धांतां बारे जानकारी दिती। बाबा बुढ़ा जी दा जन्म भाई सुग्गा जी ते माता गौरा जी दे घर 1506 ईस्वी दे विच कथू नंगल जिला अमृतसर दे विच होया। अजे इन्हां दी उम्र 5 साल दी सी जदों इन्हां दा परिवार रावी दरिया दे किनारे दे उत्ते वसे होए पिंड रमदास दे विच जा के अपना गुजर बसर करन लगा। ते उत्थे ही गुरु नानक देव जी दे नाल बाबा बुढ़ा जी दा मिलाप हुंदा। उस तो बाद जदों गुरु नानक देव जी उदासियां संपूर्ण करके करतारपुर के वसनीक बने तो बाबा बुढ़ा जी भी अपने दुनियावी कामों तो वेले हो के करतारपुर पहुँच के उत्थे लंगरां दे विच सेवा करते। उत्थे गुरु नानक देव जी ते दूसरे भगतों की जो उन्होंने बाणी एकत्र कीती हुई सी उन्हां दा पाठ करते और गुरमुखी लिपि का प्रचार करते, पंजाबी भाषा का प्रचार करते और इस तरह उन्होंने गुरु नानक देव जी दे नाल 12 साल की उम्र के 1518 ईस्वी के उन्हों का मिलाप होया। तो 1549 ईस्वी तक 21 साल गुरु नानक देव जी की संगत मानने का आनंद होया। बाबा बुढ़ा जी अजिही शख्सियत सन जिन्हों के दूसरे गुरु साहबान तो लैके 6वें गुरु साहबान तक गुरता गद्दी का तिलक लगाने का माण सन्मान हासिल होया और गुरु घर के वो ये अनन सेवक सन कि जदों गुरु अर्जन देव जी का माता गंगा जी नाल बचन बिलास होंदे आ और औलाद प्राप्ति लई गुरु अर्जन देव जी उन्हां नूं प्रेरणा करदे आ कि तुसीं पीर बाबा बुढ़ा साहब जाके अरदास बेनती करो, तो उन्हां दी संगती रूप में कीती हुई अरदास बेनती गुरु नानक देव जी दे घर विच प्रवान हुंदी आ। ते गुरु अर्जन देव जी दे घर 1595 ईस्वी दे विच गुरु हरगोबिंद साहब जी का जन्म हुंदा और गुरु हरगोबिंद साहब जी दे जन्म दे जदों 5 साल दी उन्हां दी आयु हुंदी आ तां बाबा बुढ़ा जी नूं बुला के गुरु अर्जन देव जी कहिंदे आ कि इन्हां नूं सारी दुनियावी सिख्या, शास्त्र विद्या
और घोड़सवारी और गुरबाणी की जो सिक्ख्या और गुर सिद्धांतों की जो भी सिक्ख्या वा वो तुसी इन्हां नूं देनी आ। ते गुरु अर्जन देव जी का हुक्म करके सत बचन कह के प्रवान करते हैं, पर नाल ही कहिंदे आ कि मैं एक घाई मतलब घा खोतन वाला एहो जी सिक्ख्या किस तरह दे सकता। तो गुरु अर्जन देव जी कहिंदे आ कि मैं इस गल तो भली भांत जानदा कि कोई भी एहो जी विद्या नहीं जिहड़ी तुहाडे कोल ना हो। इस तो पहला जो गुरु नानक देव जी इन्हां दी सेवा तो प्रसन्न हो के कहिंदे आ कि बूढ़े मैं तेरे तो कदे वख ना हो सा। गुरु अर्जन देव जी दे कहे अनुसार गुरु हरगोबिंद साहब की सिक्ख्या दीख्या का सारा प्रबंध और उन्हां दी शस्त्र विद्या ये सारा प्रबंध बाबा बुढ़ा जी अपनी निगरानी दे विच करवाउंदे आ। और जदों गुरु अर्जन देव जी जदों ज्योति जोत समा जांदे आ तां गुरता गद्दी दा तिलक मीरी ते पीरी दीआं दो तलवारां ये भी बाबा बुढ़ा जी ही गुरु हरगोबिंद साहब नूं पहनाउंदे आ। इस तों पहलां इन्हां नूं बहुत मान सन्मान सिख घर दे विच सिख धर्म दे विच गुरु घर दे विच प्राप्त हो चुका, क्योंकि जदों गुरु अमरदास जी ने गोविंदवाल साहब दे विच बौली खुदाणी शुरू कीती तां बौली दा पहला टक ये बाबा बुढ़ा जी नूं सन्मान होया प्राप्त, और ये पहली जिहड़ी टोकरी आ मिट्टी दी वह बाबा बुढ़ा जी ने अपने सिर ते चुक के बौली दा टक ला के ते बौली दी आरंभता की। इस तो बाद गुरु अमरदास जी के दरबार दे विच जदों चित्तौड़गढ़ की जित तो बाद बादशाह अकबर अपनी अकीदत पेश करना आता तो गुरु साहब के बनाए हुए सिद्धांत के पहले पंगत दे विच बैठ के प्रशादा छको और उस तो बाद संगत करनी आ। अकबर बादशाह इस हुक्म नूं प्रवान करदा होया सारी संगत दे नाल पंगत दे विच बैठ के प्रशादा छकदा, प्रशादा छक के अपनी श्रद्धा दे अपनी अकीदत दे फुल गुरु अमरदास जी कोल जदों भेट करदा ते नाल ही कहिंदा कि मैं बहुत सारी जागीर इस दरबार दे नाम लगा दिंदा हां तां जो ये बादशाह दा लंगर हमेशा जिहड़ा उस जागीर दे उगराह मामले दे नाल चलदा रहे। पर गुरु अमरदास जी इस गल नूं प्रवान नहीं करदे क्योंकि वह कहिंदे आ कि ऑलरेडी जिहड़ा लंगर चल रहा वह बहुत ही सर्व उच्च बादशाह दा वा, यानी कि परमात्मा दा लंगर आ, ये किसी दुनियावी बादशाह दी पेटा नाल नहीं चलना चाहिए। फिर अकबर बादशाह ये कहिंदा कि तुहाडी बेटी ते मेरी बेटी च की फर्क आ, मैं ये जिहड़ी जागीर आ उहदा पटा वो बीबी भानी दे नां करा दिंदा और उस जमीन का प्रबंध करन दे लई जदों ये सोच विचार कीती जांदी है कि किहड़े सिख नूं इस जगह का प्रबंधक लाया जाए तो उस जगह दे उत्ते भी जो मान सन्मान आ वह बाबा बुढ़ा जी नूं प्राप्त हुंदा। बाबा बुढ़ा जी ने उत्थे बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी नूं अजकल कहने आ उत्थे लंगर की प्रथा शुरू की, उत्थे विद्या देनी शुरू की, उत्थे गुरु घर का माल डंगर सामना शुरू किया, उत्थे जिहड़ी जमीन उन्होंने वाहुण दे लई दूसरे जिमीदारां नूं दित्ती उहदा जिहड़ा दसवंध इकट्ठा हुंदा सी उह गुरु घर दे विच पहुंचाउण दी उह सारी सेवा पहुँचाई। उस तो बाद ये इन्ना मशहूर हो गया झबाल पिंड दे 2 किलोमीटर लागे बीड़ बाबा बुढ़ा साहब आ कि उस जंगल का नाम ही बीड़ बाबा बुढ़ा साहब पै गया। और जदों उन्हां दी अरदास बेनती करके
गुरु हरगोबिंद साहब जी का जन्म होया तो उस तो लैके अज तक बहुत सारिया संगत औलाद प्राप्ति दे लई इस जगह के दर्शन कर आउंदियां। कहिंदे आ कि महाराजा रणजीत सिंह भी जदों खड़ग सिंह शहजादे का जन्म होया तो इस जगह के उत्ते आके नतमस्तक होया और बहुत सारिया पिटावां और बहुत सारी जागीर बीड़ बाबा बुढ़ा जी के नाम उत्थे लगवाई गई। उस तो बाद जदों बाबा बुढ़ा जी का अंतला समा आता तो वह अपने सब तो छोटे बेटे बाबा बुढ़ा जी दे चार बेटे हुए आ भाई सदारी जी भाई पखारी जी भाई महमू जी ते भाई भाना जी। जदों भाई भाना जी नूं गुरु घर दे विच भेजदे आ गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं सुनेहा मिलदा गुरु हरगोबिंद साहब जी भाई गुरदास जी नूं ते दूसरे सिखां नूं लै के नाल पतवंते सिखां नूं लै के रमदास की धरती ते पहुँच जांदे आ और सिख दे ते गुरु दे बहुत बचन बलास हुंदे आ। तां अंतले समय दे उत्ते गुरु हरगोबिंद साहब गुरु नानक देव जी दा इन्हां नूं दित्ता होया वर कि बूढ़े मैं तेरे तो कदी वख ना हो सां उस वाक नूं पूरा करदे होए अखीरले समय तक उन्हां दे कोल रहिंदे आ। और बाबा बुढ़ा जी दा जो अंतम क्रिया कर्म आ जो संस्कार आ वो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने हत्थी कीता और जिहड़ा उन्हां दे अंतम अरदास वेले सहज पाठ करवाए गए वो सेवा भाई गुरदास जी ने निभाई और इस तरह एक सिख ते एक गुरु दा प्यार छे गुरुआं दे तक इन्हां नूं मान सन्मान हासिल होया कि उन्हां दे नाल इह विचरे और 125 साल की उम्र भुगत गई 1561 ईस्वी के स्वर्गवास हो जाते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब जी अपने हाथी दनियावी पगड़ी और जो भी धार्मिक रस्मों तौर पर उन्होंने सी वो इन्हों के छोटे सपुत्र भाई भाना जी नूं अपने हाथी सौंप के नवाजते हैं। और उस तो बाद भी गुरु घर के गुरता गद्दी देने का जो परंपरा वा वो दसवें गुरु तक इस परिवार के ही ये परंपरा चलती रही। तो बाबा बुढ़ा जी की जो पूरने पाए आ जदों गुरु अर्जन देव जी और उन्होंने वड्डे भरा भाई पिरथी चंद जी ने संगत को गुमराह करके जदों लंगर की जो प्रथा वा उहदे विच भी विघन पाउण दा जतन किया तो बाबा बुढ़ा जी ने ते भाई गुरदास जी ने उस वेले भी संगतां नूं प्रेरित करके गुरु घर दे नाल जोड़िया। जदों गुरु अंगद देव जी दे वेले गुरु अमरदास जी दे वेले कोई संगतां भटक जांदियां सन एक वारी आ गईयां दुबारा नहीं आउंदियां सन उन्हां नाल कंटैक्ट करन दा उन्हां दे नाल राबता कायम करन दा इह काम भी बाबा बुढ़ा जी ने बड़ी बखूबी निभाया। पंजवें गुरु साहिबान दे समय जदों उन्हां दी शहादत हो गई और ग्वालियर दे किले दे विच गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं कैद कर लिया उस वेले दे बादशाह जहांगीर ने तां शब्द चौंकी दी प्रथा दरबार साहब दे विच बाबा बुढ़ा जी ने शुरू कीती जिहड़ी कि बदस्तूर अज ताईं चल रही है। और वो शब्द चौंकी वो परंपरा जदों ढोलकियां छैणियां दे नाल शब्द पढ़ते हुए दरबार साहब की परिक्रमा हर रोज़ रात नूं अज भी की जाती है और बहुत सारे पतवंते सिखां नूं बहुत सारे सिखां नूं लैके यही परंपरा निभाते हुए ग्वालियर के किले तक भी बाबा बुढ़ा जी पहुँचे और उत्थे भी शब्द चौंकी दा इन्हां ने आगाज़ किया। और बाबा बुढ़ा जी के जीवन नूं जे आपां कह दिए कि ये एक एहो जी सेध दिंदा जिदे चों उन्होंने हर पल नूं सिखी सिद्धांतां दे अनुकूल जीविया हर पल नूं सिखी सिद्धांतां दे नाल दूसरियां नूं प्रेरित कीता और उस संपूर्ण जीवन 125 साल दी आयु भोग के इस संसार तों रुखसत होया।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।